मंगल, बेटा कार्तिक की हालत खराब थी, अब ठीक है वो? हाँ मम्मी, अभी ठीक है। आज ये बहुत इतरा रही है, तितली बनी घूम रही है, कभी रंगे कपड़े, कभी स्टेज पर जाके गाना गाना। मम्मी, लक्ष्मी ने कार्तिक का मजाक बनने से रोका। ए मंगल, रहन दे, आजकल इसके रंग ढंग सब बदल रहे हैं। एक बार कार्तिक दिख जाए बस तुरंत उसके साथ जाके खड़ी हो जाती है। अच्छा, मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? मैंने देखा है सारे में बात कर रही है ना? ओ, तुम दोनों का हो गया हो तो मैं निकलूं। लक्ष्मू, चल लिपिका, गायत्री से भी मिलके जाना है। अच्छा मंगल सुनो, मैं निकलती हूँ, शाम को फोन करती हूँ तुम्हें। नमस्ते जी। नमस्ते दीदी। ये आंटी कौन थी? लक्ष्मू, आज बहुत कुछ हो गया है। गायत्री, आज जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। दोबारा फटकने मत देना उस लड़की को कार्तिक के आसपास। बड़ी चालाक है वो लड़की। हमें तो डर है कहीं कार्तिक को फंसा कर उससे शादी ना कर ले। जी जी, उससे पहले तुम कार्तिक की शादी अपनी पसंद की लड़की से कर दो। कैसे कर दो जी जी? कार्तिक के लायक कोई लड़की दिखती नहीं है मुझे। है ना एक, हमारी लक्ष्मी। गायत्री, हम पहले भी लक्ष्मी के बारे में बात कर चुके हैं, तुमने देखा नहीं कैसे सबके सामने उसने कार्तिक को संभाल लिया। कुछ भी बोलो, उस लड़की में दम तो बहुत है, वो कार्तिक की सच्ची साथी बन सकती है। वरना ठीक है, मिल जाएगी कोई जिया जैसी जो मधुमक्खी की तरह अच्छे लड़के को देखकर चिपक जाती है। गायत्री, हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचकर ऐसा कह रहे हैं। आज त्योहार है, अच्छा दिन है, हमारी मानो तो मंगल से कार्तिक और लक्ष्मी के रिश्ते की बात कर दो। मंगल जिस तरह लक्ष्मी के लिए लड़का ढूंढ रही है ना, कहीं ना कहीं रिश्ता पक्का कर ही देगी।